नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हों या किसी भी उस एग्ज़ाम की जहां पर संस्कृत समय ज्ञान से संबंधित टॉपिक आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से संस्कृत में समय ज्ञान लिखा जाता है, किस प्रकार से समय ज्ञान बनाया जाता है, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको समय ज्ञान के लिए 1 से 12 तक की जो संख्याएं हैं उनको संस्कृत में आना चाहिए कि उनको संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इधर देखिए, 1 से संस्कृत में आप 1 ही लिखेंगे, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, और इसके अलावा 9 से 9, 10 से 10, 11 से 11 और 12 से 12। तो आपको सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि 1 से 12 तक की संख्याओं को संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जब आपको ये पता लगे कि 1 से 12 तक इस प्रकार से लिखते हैं, तो अब हमें कुछ शब्द हैं उनको ध्यान में रखना है। कि देखिए, संस्कृत बनाने के लिए सबसे पहले बजे जो है, बजे से हम बोलते हैं संस्कृत में वादनम। सवा, सवा का मतलब होता है 15 मिनट, 15 मिनट से संस्कृत में बोला जाता है सपाद, यानी सवा से हम क्या बोलेंगे, सपाद। साढ़े, साढ़े से संस्कृत में बोला जाता है सार्ध, साढ़े का मतलब होता है 30 मिनट, 30 मिनट को संस्कृत में बोला जाता है सार्ध। पौने, पौने यानी कि 45 मिनट, 45 मिनट को संस्कृत में बोलते हैं पादोन। उसके बाद अधिक, अधिक से बोला जाता है अधिकम या उत्तरम, चाहे तो अधिकम कह लो या उत्तरम कह लो, अभी हम बताएंगे किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। कम, कम से बोलते हैं ऊन। मिनट, मिनट से बोलते हैं निमेश या कला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनट, निमेश या कला। तो इस प्रकार से ये शब्दावली आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद समय किस प्रकार से लिखा जाता है वो सुनिए। देखिए मित्रों, समय लिखने के लिए आपको, जैसे कि मान लो टाइम आपके पास दिया हुआ है कि 9 बजे, ये दिया हुआ है 9 बजे, तो देखो जैसा समय को हम बोलते हैं वैसे ही हमको समय को लिखना है। सबसे पहले मिनटों को लिखा जाता है, उसके बाद घंटों को लिखा जाता है। यहाँ मिनट कुछ नहीं है इसलिए मिनट तो है नहीं, अब सीधे घंटे को लिखेंगे। कितने बज रहे हैं, 9 बजे, इसे बोलते क्या है 9 बजे, तो 9 बजे, 9 से क्या बोलते हैं 9, 9 से क्या बोलते हैं 9। ठीक है, और बजे से क्या बोलते हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा वादनम, बजे से क्या बोलते हैं वादनम। ठीक है, तो 9 वादनम, आप इस वादनम को वादने वाक्य प्रयोग में वादने भी कर सकते हैं, यानी कि 9 वादने या 9 वादनम। ठीक है, जैसे कि मान लो टाइम दिया हुआ है 7:15, अब ये समय क्या है 7:15, जैसा हम इसको बोलते हैं वैसे ही हमें संस्कृत में इसको लिखना है। तो देखिए 7:15, तो 7:15 पहले सवा को लिखना है, फिर 7 को, फिर बजे को, ऐसे, या फिर पहले मिनटों को लिखिए, मिनट कितनी है 15 मिनट, 15 मिनट से क्या बोलते हैं सवा, तो सवा से सपाद, फिर उसके बाद कितने बज रहे हैं 7, 7 से सप्त। ठीक है, 7 से क्या बोलते हैं सप्त, और बजे से वादनम। ठीक है, तो बनेगा क्या सपाद सप्त वादनम। उसके बाद हम जैसे मान लो बात करें कि 8:30, अब इसे बोलते क्या है 8:30, तो साढ़े यानी 30 मिनट को बोलते हैं साढ़े, तो साढ़े से हम क्या बोलेंगे, साढ़े से हम बोलेंगे सार्ध, साढ़े से हम क्या बोलेंगे सार्ध, 8 से हम क्या बोलेंगे अष्ट, और बजे से वादनम, तो बनेगा क्या सार्ध अष्ट वादनम। जैसे कि टाइम दिया हुआ है कि 9:45, अब ये समय कितना है, अगर इसको हम बोलते हैं तो बोलते हैं 9:50, 9:50, या हम इसको ऐसे लिखें कि पहले 45 मिनट को लिखेंगे, तो 45 मिनट से बोलते हैं पादोन, पादोन से 9:45, और उसके बाद कितने कितने, तो 9 नहीं, यहाँ ध्यान रखना है 10, क्योंकि ये 9:45 नहीं है, 9:50 हैं, तो यहाँ लिखना है 10 वादनम, तो पादोन 10 वादनम। ठीक है मित्रों, तो ये अब आपको ये देखिए, अगर टाइम जैसे ऐसे दिया हुआ है कि 11:05, अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले मिनट को लिखेंगे, कितने मिनट ज़्यादा हैं 5 ज़्यादा हैं 11 बजे से,
5 मिनट ज़्यादा हैं 11 बजे से। तो देखिए पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 ज़्यादा हैं, तो 5 से पंच, ज़्यादा से यानी अधिक से अधिकम, तो बोल सकते हैं पंचाधिकम, ठीक है पंचाधिकम, 5 अधिक हैं कितने से, 11 से, तो 11 बजे, पंच अधिकम 11 बजे यानी एकादश, और बजे से वादनम, तो क्या बन जाएगा पंच अधिकम एकादश वादनम। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि भाई 7:05, तो इसको हम लिखते हैं कि भाई पंच 5 मिनट अधिक है, चाहे तो 5 अधिक है सीधा पंच अधिकम, या 5 मिनट अधिक है तो पंच निमेश, ठीक है पंच निमेश लिख सकते हैं, पंच निमेश अधिकम या पंच कला अधिकम, पंच निमेश अधिकम या पंच कला अधिकम, या उत्तरम का प्रयोग कर सकते हैं कि पंच निमेश उत्तरम या पंच कला उत्तरम, ठीक है। तो आप मिनट को लगाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि पंच हम यहाँ पर बनाते हैं, जैसे मान लो 7:05 हैं तो पंच कला लगाएंगे तो कला, और उत्तरम तो बनेगा कलोत्तरम, पंच कलोत्तरम कितना सप्तवादनम, सप्तवादनम तो बन जाएगा पंच कलोत्तरम सप्तवादनम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समय लिखा जाता है। अगर हम कम की बात करें, जैसे मान लो टाइम ये दिया हुआ है कि 8:50, अब ये समय कितना है 9:05, 10 मिनट कम है, 9:10 कम है, तो कितने कम हैं 10 कम हैं, तो 10 कम है, कम से ऊन 10 ऊन, तो 10 ऊन जो संधि होकर के बनेगा दसोन, ठीक है 10+ ऊन दसोन, दसोन कितने से 9 बजे से, 9 वादनम, तो क्या बनेगा दसोन 9 वादनम, ये बन सकता है। चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई देखिए जैसे 8:50 है तो इसको आप लिखते हैं कि 10 निमेश, 10 निमेश ओन, तो 10 निमेश ओन ऐसे भी कर सकते हैं, 10 निमेश ओन या 10 कलोन, 10 कलोन कितना 9 वादनम, कितने में कम है 9 बजे में, तो 9 वादनम, ठीक है। तो इस तरह से भी समय को लिखा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप अब हर प्रकार के समय को लिखने में माहिर हो गए होंगे, तो चाहे वो समय कैसा भी हो आप उस समय को बड़े आसानी से लिख सकते हैं, बस आपको ये शब्दों का ज्ञान होना अनिवार्य है। खास करके आपको विशेष तौर पर ये 4 शब्द देखने हैं, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर संभावनाएँ होती है प्रश्न पूछे जाने की, बजे से वादनम, सवा से सपाद, साढ़े से सार्ध, पौने से पादम, ठीक है मित्रों। तो ये वीडियो देखने के बाद अब आप किसी भी प्रकार के समय को संस्कृत में लिखना सीख चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसको देख सकते लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, उसको सरल करने का प्रयास मैं अपनी तरफ से पूरा करूँगा। चलिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।